दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, दरबार प्रांगण में दूसरे नंबर पंडाल की जो दूसरी डी है उसमें बीचों बीच धर्मेंद्र सिंह नाम का एक बालक विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। क्या नाम है? देवेंद्र नाम। अच्छा अच्छा, जो वहां विराजमान। पहली बार आए? दूसरी बार आए। पहली बार कहाँ आए? बागेश्वर धाम में। अच्छा, किसी को अपना नाम या विषय तो नहीं बताया? नहीं बताया। किसी को अपना प्रश्न तो नहीं बताया? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। पहली बार प्रश्न हो रहा है जी। हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? पिपरिया। हैं? पिपरिया। कहाँ पड़ती है ये? पड़ती पचमढ़ी से पास में। पचमढ़ी? हाँ, 50 किलोमीटर। कौन सा प्रदेश? एमपी है अपना। अच्छा, मध्य प्रदेश। हाँ। बोलिए, क्या समाधान चाहते हो? कुछ राह बताएं आप। पूछो। मतलब जीवन में क्या करें, ऐसा मतलब कोई राह बताएं आप। ठीक है, बताते हैं। और पूछिए। एक प्रश्न और है, दो हैं जी, पढ़िए। जीवन में क्या करें, आगे कैसे बढ़ें, ये प्रश्न करेंगे। कोई भी विवादित स्थिति नहीं बनेगी। प्रश्न आपका उत्तम है। व्यापार कार्य से आपका जीवन सफल होगा। 2025 के 9वें महीने में आपके जीवन में मोड़ आएगा। व्यापार से आप अपने जीवन को सफल करने की तैयारी करें, ट्रेडिंग का काम करें। वर्तमान में मन बहुत विचलित है। एक विवादित स्थिति बनी है, वह सामान्यतया निकल जाएगी। उसमें कोई भी केस या मुकदमा नहीं होगा। आशीर्वाद है। क्या ये बात सही? जी। कोई संदेह? धाम पर फिर से मंगलवार को जी पहुंचना है जी। इसमें जो विवाद है, जो विवाद है, बिना माइक के बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। कोई संदेह? एकदम सही। चलो, तुम तो पढ़े लिखे हो।